दोस्तों, बेशक इंसान धरती का सबसे बुद्धिमान जीव है, लेकिन हमारा दावा है कि अगर हमारा आज का ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि इंसानों के अलावा भी धरती पर ऐसे कई जीव मौजूद हैं जिनका आईक्यू लेवल आपके होश उड़ा सकता है। कुछ शोधकर्ताओं ने कांगो के जंगलों में बंदरों की प्रजातियों पर की गई एक रिसर्च में पाया कि चिंपैंजी पेड़ की मजबूत शाखाओं का इस्तेमाल हथियार और भाले की तरह करना बखूबी जानते हैं। वैसे अगर आपको ये बात सुनकर एप्स वाले उस हॉलीवुड मूवी की याद आ रही हो तो डरिए मत, क्योंकि ये चिंपैंजी इंसानों के खिलाफ नहीं बल्कि कुछ खास तरह के छोटे जीवों का शिकार करने के लिए लकड़ी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही यहाँ एक अन्य प्रयोग में चिंपैंजी के सामने गड्ढा खोदकर उसमें खाने की चीज रखी गई और फिर उस गड्ढे पर भारी भरकम वजन रख दिया गया, जिसको चिंपैंजी ने थोड़ी देर तो खुद हटाने की कोशिश की, लेकिन जब वो समझ गया कि ये काम उसके बस का नहीं तो उसने पास खड़े इंसान का हाथ पकड़कर उससे मदद मांगी। इतना ही नहीं, ये बंदर एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं, जैसे कि ये दोनों कैदी जिसमें से एक के पास पत्थर रखा हुआ था तो दूसरे के पास डिब्बे में पैक खाने की चीज। ऐसे में एक ने दूसरे को पत्थर पकड़ाया तो फिर दूसरे हेल्प करने के बदले खाने की चीज। वैसे अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि दुनिया में एक ऐसा चिंपैंजी भी है जो अपने मालिक के साथ रहता है। इसका नाम है केंजी, जो कि इंसानों की तरह ही कई एक्टिविटीज कर सकता है। और तो और, केंजी 3000 से ज्यादा अंग्रेजी भाषा के शब्द समझने के साथ साथ इशारों की भाषा भी समझता है, जो कि गूंगे इंसानों की भाषा है। खैर, अब ऐसा भी नहीं है कि सारे बंदर समझदार ही हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो थग लाइफ जीते हैं। आखिर कौवों को पक्षियों में सबसे समझदार पक्षी क्यों माना जाता है? इसका जवाब मिलेगा आपको इन अगले प्रयोगों में। इस प्रयोग में शोधकर्ताओं ने पेड़ के कटे हुए खोखले तने में कुछ कीड़ों को पिस्ता के अंदर डालकर रख दिया। इनके पास उन्होंने कुछ स्टिक्स भी रखी जिनके इस्तेमाल से कौवा कीड़ों को बाहर निकालने की जद्दोजहद करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जब वो समझ गया कि इनको सीधी स्टिक से बाहर निकालना मुश्किल है तो उसने इस स्टिक के आगे लगे प्लास्टिक को घुमाकर इसका इस्तेमाल एक हुक की तरह किया और एक ही बार में दो पिस्ता को बाहर निकाल दिया। दोस्तों, आपने कौवों पर किया गया ऐसा एक्सपेरिमेंट तो जरूर देखा होगा जिसमें पानी में पत्थर डालकर कौवा पानी ऊपर ले आता है, लेकिन अब आप देखने वाले हैं इस प्रयोग का एक नया रूप। इसमें तीन सिलेंडर रखे गए जिसमें से बीच वाले सिलेंडर में कौवे की चोंच पहुंच पाना पॉसिबल नहीं था। ऐसे में उसने रेड वाले में पत्थर डालकर देखा जिससे पानी ऊपर आ रहा था और ब्लू वाले में पानी ऊपर नहीं उठ रहा था। सिर्फ एक बार पत्थर डालकर कौवा इस बात को समझ गया और फिर उसने दोबारा ये गलती नहीं दोहराई। कौवों के इस अगले प्रयोग को आप सबसे जटिल प्रयोग कह सकते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने एक बॉक्स में मांस का टुकड़ा रखा जिस तक पहुँचने वाले स्टिक को एक अन्य बॉक्स में रखा गया और उस स्टिक तक पहुँचने के लिए एक छोटी स्टिक धागे से बांधकर ऊपर लटकाई गई। आपको जानकर हैरत होगी कि कौवा पूरी परिस्थिति कुछ ही देर में समझ गया। उसने पहले छोटी स्टिक धागे से खोली, उसकी सहायता से बॉक्स में पड़ी बड़ी स्टिक निकाली जिससे वो मांस के टुकड़े को निकाल कर खा गया। दोस्तों, कुत्ते समझदार भी होते हैं और वफादार भी। इस बात को साबित करता है रिको, जो कि सन 1999 में की गई एक रिसर्च का हिस्सा था। रिको को इतिहास का सबसे समझदार कुत्ता माना जाता है क्योंकि उसने अपनी समझदारी से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। रिको को 3 साल तक एक प्रयोगशाला में प्रशिक्षित किया गया था जिसके ऊपर लाइव टीवी पर भी कुछ प्रयोग करके दिखाए गए थे। एक प्रयोग में देखने को मिला कि रिको के चारों तरफ कुछ खिलौने रखे गए हैं जिनमें से सभी के नाम रिको को सिखाए गए थे सिर्फ एक बॉल को छोड़कर। यहाँ जैसे ही एंकर किसी खिलौने का नाम लेकर उसका कार्ड अपने हाथ में लेता वैसे ही रिको उस खिलौने को उठाकर ले आता, लेकिन जब एंकर ने बॉल वाला कार्ड उठाया
जिस पर स्पेलिंग भी BVB यानी गलत लिखी हुई थी। तो रिको चारों तरफ घूमने लगा और फिर वो समझ गया कि यहाँ सिर्फ एक ही चीज है जिसका नाम वो नहीं जानता। ऐसे में रिको जल्द ही बॉल को उठा कर ले आया। बता दें कि इसे मेथड ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं, जो कि हमें पहले लगता था कि ये सिर्फ इंसानों में ही पाया जाता है। अब आप देखने वाले हैं एक ऐसे जीव को जिसे कैद करके रखना बेहद मुश्किल है। ये है हनी बेजर, जो कि छोटे आकार का होने के बावजूद बेहद निडर जानवर माना जाता है, क्योंकि ये जहरीले सांपों और शेरों तक से भिड़ सकता है। साथ ही इसे किसी चिड़ियाघर में कैद होकर रहना भी गवारा नहीं, जैसे कि ये हनी बेजर जो बार बार अपने बाड़े की कुंडी खोलकर बाहर निकल जाता है, जिससे परेशान होकर यहाँ के स्टाफ ने कुंडी के साथ इसके दरवाजे को एक तार से बांध दिया। लेकिन ये छोटे नवाब इस परिस्थिति से भी भाग निकले। अब परेशान चिड़ियाघर के स्टाफ ने जब और ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई तो ये हनी बेजर दरवाजे के नीचे से गड्ढा खोदकर फरार हो गया। इसके बाद इन्होंने इसे वापस पकड़कर एक चार दीवारी वाले बाड़े में रखा, जहां से भी इसने भाग निकलने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने पहले बाड़े में उगे एक पुराने पेड़ की शाखा तोड़कर दीवार फांदने में सफलता हासिल की। जब बाड़े से पेड़ वेड़ सब साफ करके इसको दोबारा यहाँ रखा गया तो ये जनाब बाड़े में बिखरे पत्थर एक कोने में एकत्रित करके उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने की योजना बनाने में लग गए। और फिर जब पत्थर भी हटा दिए गए तो ये हनी बेजर रोज एक ही कोने में टट्टे का पहाड़ बनाने में जुट गया। और आप समझ सकते हैं कि आखिर किस लिए। लगता है इसके लिए ये किसी तरह का गेम बन गया है, जिसमें वो हर बार इंसानों को चौंकाने में लगा है। तो ये थे कुछ बेहद समझदार जानवर।